प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सहे सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीब दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतं सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे सैस 88। उतर बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे सैस 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूं गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो जाऊं। तो करो तो बावड़
दूर दूर करो तो जान, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय ना समान। अवगुण किए तो बहुत किए, मुकर्त न मनी हार, बावे बंदा बक्स दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ, बोरे पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सुमर। सुरत करो मम साईया, हम हैं बवदल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बां। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का सुजत और निठोरे। परमपिता परमात्मा, सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्म एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते हैं, हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है, ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो। कौन सा कार्य करते रहो, कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड्डी लो और मर जाओ, ये कौन सा कार्य था। सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं आप प्रतिदिन देखते हो, किसी ना किसी गांव में या किसी घर में, अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है, तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए,
और यहां से जाने का जो इस जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वो वास्तविकता वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताती है। और उसके लिए वो स्वयं सह शरीर वहां से आते हैं जहां परमात्मा रह रहे हैं। इस काल भगवान को ही हम ब्रह्म कहते थे, और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो कहा करते थे कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। फिर पूछते थे परमात्मा है कैसा कि वो निराकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आपको परमात्मा का दिया हुआ वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उस ज्ञान की तुलना में आप बहुत आसानी से तोल सकते हो, जांच सकते हो। जो हमारे धर्म गुरु ऋषि महर्षि जो हमें ज्ञान दिया करते थे, वो कितने भगवान से परिचित थे, वो कैसा उन्होंने भगवान को जाना था। और परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है वो हमारे सदग्रंथों में पहले ही विद्यमान था। ये क्या जाने वेदों और गीता को, क्या जाने ये पुराणों के विषय में, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो ये हमारे हृदय में घर कर गई ये बात उनकी कि कबीर जी अशिक्षित हैं और हमारे धर्म गुरु काशी विद्यापीठ से ये पढ़े हुए हैं, और हमारे सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे। तो जिस कारण से हमें अपने उस नकली धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि कबीर जी गलत ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए ये शिक्षा आपको दी है। आपको अभी तो शिक्षा का जो उद्देश्य है यही मान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा कमाई करूं, धन जोड़ू, काठी कोठी बनाऊं और कार लूं, अपना बेटा बेटी को पढ़ाऊं, ये उच्च अधिकारी लगे, घनी माया जोड़े। और जिसमें आपको तो दास आज वचन बोल रहा है कि ये शिक्षा परमात्मा ने आपको दी है, और इस शिक्षा ने आपको इतनी हानि कर दी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल आपने रोजी रोटी को ही उत्तम मान लिया, ये रोजी रोटी तो परमात्मा आज से पिछले इतिहास देखो, हमारे दादे परदादे वो भी अपना टाइम पास कर गए, भले ही झोंपड़ियों में रहे हो लेकिन कितनी शांति थी, कितने निरोग रहते थे, कितनी बुराइयां नाम मात्र भी नहीं थी। और आज आप देख रहे हो जहां इस माया का प्रवेश हो जाता है वहां जीव चैन से नहीं रह सकता। रात रंट दिए, इंटरनेट बना दिया, मोबाइल बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक ये टीवी चैनल बनवा दिए, डीवीडी और सीडी बनवा दी, एक छोटी सी चिप बनवा दी जिसमें 100-100 घंटे का सत्संग आ जाता है, मैटर आ जाता है। तो इतना अज्ञान हो चुका था, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये सुविधाएं दी आपको, और उसका ये परिणाम है कि आज आप वो बातें सुन रहे हो जो भगवान 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे और मार खाया करते थे। तो ये परमात्मा ने यह तरीका अपनाया कि जब तक इनको अक्सर ज्ञान नहीं होगा ये भगवान नहीं पहचान सकते, और पीछे अंश तुम्हारी जाए, ऐसा वचन हर मोह दीजे तब संसार गवन तुम कीजे। अब जो प्रसंग चला है इसके लिए थोड़ी सी भूमिका बतानी पड़ेगी कि परमात्मा जब प्रथम बार यहां आए, और यहां हाहाकार मच चुकी थी क्योंकि यहां तो दुख ही दुख है, बेसिक सतियो भी क्यों ना हो, मृत्यु तो वहां भी थी, वृद्ध अवस्था भी थी। वृद्ध अवस्था और मृत्यु इस प्राणी के लिए सबसे बड़ा कहर है, और ये दोनों कंपल्सरी है। क्यों गए काट बेसिक बीच में अचानक मर जाए, लेकिन वो मृत्यु अच्छा नहीं मानता कोई भी,
और बुढ़ापे में मृत्यु कोई बड़ी बुरी सी नहीं लगती। तो एक कंपल्सरी है बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, और दोनों महादुख। तो परमात्मा जब वहां से आए कि ये बहुत दुखी हो लिए हैं, अब इनकी अकल ठिकाने आगी होगी, इनको सच्चाई बताऊंगा, यथार्थ ज्ञान दूंगा, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहते थे, वहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वर्धवस्था नहीं, वो शरीर दूसरा मिलेगा आपको। ये सब ज्ञान देने के लिए परमात्मा उद्देश्य लेकर आए। जब इस 21 ब्रह्मांड में प्रवेश होता है तो सबसे पहले ये काल वहां बैठा होता है, और वहीं पर इसने एक तपतशिला बना रखी है जिसके ऊपर 1,00,000 प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को ये उसके ऊपर भूनता है, उनसे निकले हुए गंध को ये खाता है, और जीवात्माएं फिर अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म के अंदर आ जाते हैं। यहां एक ऐसा रूटीन बना रखा है, ऐसा प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर है। तो ज्यों ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए, ज्यों ही भगवान उनके पास आकर खड़े हुए, तो उनकी जो तपत थी, जो आंच थी, वो नहीं लगी। टुकड़ी ज्यों की तो गर्म थी, ऐसे ही उसमें से लपट निकल रही थी, लेकिन उन जीवों को जो वहां बैठे थे उसमें भून रहे थे, उन पर आंच लगनी बंद होगी और वो बैठ गए सारे। तब सामने भगवान को देखकर उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम कौन से कर्म का दंड यहां भोग रहे हैं। उन्होंने सोचा यही है भगवान, ये आ गया सामने खड़ा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुम जो ये सजा भोग रहे हो, ये तुम्हारे नीचे की कर्मों की नहीं, ये तो सतलोक में तुमने गलती की थी, उसका दंड है। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई उनको कि तुम पहले वहां रहते थे जहां से मैं आया हूं, वहां कोई मृत्यु नहीं थी, वहां जन्म नहीं था, कोई रोग नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, और तुमने ये गलती की थी। जो यहां का भगवान है, किस ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ये काल है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, इसको ब्रह्म कहते हो तुम, तो इसने एक गलती की थी, ऊपर इसको श्राप लगा था उस कारण से कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को यह नित खाओगा, और तुमने गलती की थी कि भगवान को छोड़कर तुम इसके साथ यहां पहुंच गए, वो दंड तुम ये भोग रहे हो तब तो तपतशिला, और अब जाओगे नरक में, वो तुम यहां के कर्म भोग रहे हो। कोई गधा बना है, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई जलचर बन रहा है, और उस तपतशिला के ऊपर सभी गए हुए थे, धर्मगुरु भी थे, आम जनता भी थी, उस समय सबकी अकल ठिकाने थी कि हमसे कोई भूल बड़ी है, जिस कारण से गुरु भी वहीं तपतशिला पर भूलने जा रहे थे, और 1-2 चेला भी साथ मर रहा था, उसके साथ गया था। तब परमात्मा से उन्होंने पूछा, भगवान ऐसी कौन सी साधना है? तो भगवान परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मैं जो विधि बताता हूं इसमें एक सतनाम है, एक सार नाम है, उसकी भक्ति से तुम पूर्ण मोक्ष हो गए, इस तपतशिला पर नहीं आओगे। तब वहां तो मरते सभी कह रहे थे, भगवान हमने वो मंत्र दे दो, हम खूब भक्ति कर लेंगे। परमात्मा बोले कि अब तो वो बात तुम्हारे हाथ से जा चुकी है, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत सबद सनेहा। जब कभी तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हो, मनुष्य जीवन प्राप्त हो, और मेरा कोई दास उस सतनाम को दे रहा हो, वहां जाके नाम लेना, उस नाम से मोक्ष होगा। तब वो कहते हैं, भगवान बहुत भारी भूल बनी हमसे, और अब के मनुष्य जीवन मिल गया तो ऐसा संत खोजेंगे जो सतनाम और सारनाम दे रहा होगा। परमात्मा कहते हैं कि तुम ऐसे वायदे तो मुसीबत में ही करते हो, जब तुम सुखी होते हो तब कभी ये सोचते नहीं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई,
जय सुख में सुमरण करो तो दुख कहे कु होए। सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आती है तो भगवान खोजते हो, और जिस समय तुम सुखी होते हो तो बकवाद खोजते हो। यदि आप सुख में भी भक्ति कर रहे होते तो दुख नहीं होता, और जब आपत्ति आई तुम अब कह रहे हो हम भक्ति कर लेंगे कि अब नहीं बनेगी बात। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो और सतनाम और यह सार नाम का ये कोई प्रचार कर रहा हो, उस संत मेरे से नाम लेकर अपना मोक्ष करा लेना। और जिसको तुम वो धर्म गुरुओं को भगवान बता रहे थे जो मरने के उपरांत तपस्या पर भूने जा रहे थे नकली, उनसे कह रहे थे कि तुम ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते थे ब्राह्मणों, ये ब्रह्म तो काल है जिसका 21 ब्रह्मांड के अंदर जाल है, उसको तुम समझ नहीं सके, और आप ब्रह्म को निराकार बताते हैं। अब देखो इनको खाने के लिए वो ब्रह्म आ रहा है, वो काल आ रहा है, वो देखो सामने से। अब काल ने अपना टाइम फिक्स कर रखा है, और उस टाइम के समय वो सभी जितनी भी आत्माएं उस तपस्या के ऊपर भुनी जाती हैं, वो भुनने के बाद अपने आप निकल जाती है। तो उसका वो समय हो चुका था, वो उस आहार करने के लिए आया था, उसने सोचा था वो सब चली गई होंगी, लेकिन परमात्मा इस काल से ऊपर पावर शक्ति ज्यादा है, परमात्मा के सामने ये काल रुक जाता है। यहां पर समय प्रधान है और समय के ऊपर परमात्मा प्रधान है, तो उनको रोक दिया दाता ने ये दिखाने के लिए कि देखो वो आ रहा तुम्हारा भगवान जिसको तुम निराकार कहते। सामने क्या देखा, ओछा माथा, लंबे दांत और बड़ा भयंकर विकराल शरीर उसका। कहा मालिक ने कि वो आ रहा तुम्हारा भगवान जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो, जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो, ये तो काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबको खाने के लिए आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको। परमात्मा ने बताया कि ये है वो तुम्हारा भगवान। अब उसको देख करके सब फिर घबरा गए। परमात्मा बोले तुम जाओ यहां से, वो सभी उड़ा दिए वहां से। वो आगे जहां उन्होंने जाना था धर्मराज के दरबार में आते हैं, वहां उनका अकाउंट तैयार मिलता है किसने कौन सी जूनी में जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, या फिर पशु पक्षी बनना है, वो अलग से दंड है। इतने में वो काल भगवान वहां आकर खड़ा हो गया मालिक के निकट। उस समय परमात्मा ने अपना रूप जो था अपने लड़के जोग जीत जो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे वचन से, उनमें से एक जोग जीत भी है। उस जोग जीत के रूप में परमात्मा वहां खड़े थे, सामने से वो सरपुरुष जिसको ब्रह्म कहते हैं काल वो आ रहा था। जब उसने देखा काल ने कि ये जोग जीत कैसे आ गया, उसको ये मालूम था कि परमात्मा का कोई संदेश लेकर आया है ये, क्योंकि अधिकतर परमात्मा उन्हीं को इसके पास भेजते थे जब ये सतलोक में था। तो सबसे पहले काल भगवान ने ब्रह्म ने पूछा कि जोग जीत तू यहां किस लिए आया, कोई पिताजी का आदेश है मुझे सुना, उसके बाद फिर मैं तुझे जान से मारूंगा, तुझे ऐसा कूटूंगा तू याद रखेगा, तूने मेरे को सतलोक से निकाला था, मैंने तेरे सामने हाथ भी जोड़े थे, तेने मेरी एक नहीं सुनी थी, और पहले तो मुझे आदेश बता कोई परमात्मा का लेकर आया है, तो उसके बाद फिर तू होले होशियार। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले ज्योत निरंजन, आदेश परमात्मा का
मैं नीचे जाऊंगा, नीचे के ब्रह्मांडों में जाऊंगा, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, सब देवों को समझाऊंगा, उनको परमात्मा की जानकारी दूंगा, और आपने सबको मिसगाइड कर दिया, सबको गलत ज्ञान बता रखा है, गलत साधना करके कोई कुत्ता बना, कोई गधा बना, कोई सूअर बना है, किसी को कैंसर हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, कोई जीव सुखी नहीं इस गंदे लोग, इनको सच्चा नाम दूंगा, सच्चा ज्ञान दूंगा, सच्चे भगवान की मैं कथा सुनाऊंगा, और परमात्मा ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया सतनाम और सारनाम का, सबको सारनाम और सतनाम दूंगा, सब निर्बाध सतलोक चले जाएंगे, और तेरी पोल पाड़ूंगा, तू काल है, तू अपने आप में भगवान बन बैठा है यहां पर। तब उसने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा, इसको यही अब खत्म करूंगा। इस उद्देश्य से लेकर के कहने लगा जोग जी तू होशियार, तुझे तू जाके दिखा नीचे। अब जो ही परमात्मा की तरफ वो दौड़ा अटैक करने के लिए, तो परमेश्वर ने सतनाम का सिमरण किया, उसको ऐसा झटका लगा, वो ऐसा गिरा नीचे, इतना भयभीत हो गया, उसको ऐसा अटैक हुआ, इसमें इतनी ताकत है इस सतनाम के मंत्र में, ये अध्यात्म पावर है, और अध्यात्म पावर बहुत प्रबल होती है। इतना भयभीत हो गया कि वहां से कहते पाताल में जाके गिराइए, परमात्मा इसके साथ साथ गए, ये बहुत भयभीत हो गया, हाथ जोड़ने लग गया, परमेश्वर ने कहा कि ऊपर ही चलो ही, या कोई और सुनेगा हमारी बातों को तो ऊपर चल, इसको फिर लाए ऊपर ले गए, और ऐसे गिरा पड़ा रहा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ नहीं सकता, तड़प रहा होता है। तब इसने पैर पकड़ दिए नीचे नीचे सरक कह कबीर भगवान के, जब जोग जीत रूप में मालिक वहां खड़े थे, चरण पकड़ के रो रहा है कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलती कर देते हैं, बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तो एक भाई समझकर तेरे साथ ये डिठाई कर दी, ये गलती कर दी, आप तो बख्शनहार हो, आप मैं तो आपको पिता का स्वरूप मानता हूं, मुझे माफ कर दो। अपने आत्माओं, यहां प्रत्येक प्राणी के अंदर ऐसा स्वभाव है, क्योंकि जैसा राजा यथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, तो हम सभी में ये वही दोष है, जब हमने काम निकालना होता है तो चरण पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चापलूसी करते हैं, उससे पहले हम अपनी ताकत का इजहार भी करते हैं कि इसको डरा धमका के कुछ काम करा लूं, जब देखते हैं कि सामने वाला ताकतवर है तो हम उसके चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते। तो उसने परमात्मा ने कहा कि मेरे पैर छोड़ दो, नहीं तब छोड़ूंगा जब आप मेरी कुछ शर्त मंजूर कर लगे। परमेश्वर ने कहा कि बोल तेरी क्या शर्त है। एक तो ये है कि तीन युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तो आप कितने ही जीवों को निकाल ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि तीन युगों में ये प्राणी मेरे काबू में आवेंगे नहीं, क्योंकि इनको सुख रहेगा। सतयुग के अंदर बहुत पुण्यात्मा पर आत्माओं का जन्म होता है, और जैसे संस्कार लेकर प्राणी यहां उत्पन्न होता है, परमात्मा उसकी वैसी ही व्यवस्था उसके अनुसार कर देता है। तो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, सुंदर आब हवा होती है, लाखों वर्ष का जीवन होता है, बाप से पहले पुत्र नहीं मरता और पत्नी विधवा नहीं होती, इतना अच्छी व्यवस्था रहती है, लाखों वर्ष का जीवन होता, तगड़े तगड़े शरीर, लंबे लंबे बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, कोई चीज का भाव नहीं। जैसे आज हम मेहनत करते हैं गेहूं चने बनाने के लिए, इतने सब तो उगे रहते हैं, सब तो इतने रहते हैं, तोड़ दो खा लो और
रख लो, बाकी पड़े खड़े रहो, उन्हीं से जड़ जड़ा कर फिर अगली बार फिर उग जाते हैं, इस तरह रहता है वहां पर। तो उसके बाद त्रेता युग आता, उससे कुछ कम संस्कार के लोग उत्पन्न होते हैं, द्वापर में फिर उनसे भी कुछ कम अच्छे किस्मत के होते, लेकिन दुख फिर भी कम होता है। जब तक इस प्राणी को दुख नहीं होता तब तक ये भगवान याद नहीं करता, कोरी बकवाद याद करता है, ये ऐसा स्वभाव बन गया हमारा। तो परमात्मा को मालूम था कि तीन युगों में ये पार नहीं होंगे, ये सुनेंगे भी नहीं मेरी बात। फिर चौथे युग में परमात्मा ने कहा ठीक है, अभी तेरी ये शर्त मैंने मंजूर कर ली, और बोल। फिर कहा कि पहले चौथे युग में परमेश्वर ने कहा कि चौथा युग जब आएगा मैं अपना कोई अंश बेचूंगा और पूरी पृथ्वी पर मेरा ही उपदेश रहेगा, मेरा ही ज्ञान रहेगा, मैं एक ही भगवान रहूंगा। तब इसने सोचा यह तो बात बिगाड़ेगा, तो काल ने कहा कि एक शर्त मेरी और है भगवान, कि पहले मेरे प्रचारक जावें, आपका बाद में आवे। परमात्मा बोले चल ठीक है, ये भी तेरी स्वीकार कर ले। इसने इस प्रकार कई शर्त परमात्मा से रखी, दाता ने इसकी वो सब स्वीकार कर ली। फिर इसने लास्ट में ये कहा कि मुझे वो मंत्र बता दो जिससे तेरे हंस पार होंगे। फिर उसने ये दूसरा ये रखा था, तीसरी शर्त ये रखी थी कि आप जोर जबरदस्ती ना करना भगवान, नीचे जाओ तो जोर जबरदस्ती करके उनको दीक्षा ना देना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को कोई स्वीकार करे तो वो आपका हो, आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे वो मेरा हो। ये तो मालिक को पता था कि जब तक इनको ज्ञान ही नहीं होगा तो ये मेरे कैसे हो सकते। परमात्मा बोले भाई ठीक है। फिर इसने शर्त रखी जी, एक शर्त और है, क्या, कि पहले मेरे प्रचारक जाएंगे, आपका फिर बाद में आवे कलयुग में। परमात्मा ने बोल सुना भाई ठीक है, परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है ये तथास्तु, हम बाद में चले जाएंगे। जब इसने देख लिया, क्योंकि जीव है ये भी और जीव की बुद्धि जीव सत्र की होती है, और कबीर परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तब उसने क्या देखा कि अब ये क्या करेगा, चौथे युग में आएगा कर लेंगे जो करना है, एकदम खड़ा हो गया, गर्द निकली, बच्चा सुखी, इस फार्मूले से खड़ा हो गया। तो तब कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। फिर कहते द्वादश पंथ करूं मैं साचा, और नाम तुम्हारा ले करूं अवाचा, उन द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो हमारे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवा को भरमाऊं, देवल धाम और मंदिर पुजवाऊं, और ऐसी भक्ति दृढ़ करवाऊं, नकली भक्ति दृढ़ करवाऊं, और जाइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाना, ऐसे अज्ञान से भर दूंगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धाम, इनकी पूजा पर दृढ़ कर दूंगा, और ये तीर्थ व्रत जब तप चतलाऊं या विद जीवों को भरवाऊं, तीर्थों पर व्रत के ऊपर धाम मंदिर देवल कहते मंदिर को, इन में दृढ़ कर दूंगा इनकी बुद्धि को, और तेरी कोई नहीं सुनेंगे, जब तुम्हारा पीछे अंश जाएगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन करके तुम्हारे साथ विवाद, जाइयो जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा। परमात्मा को उसकी बुद्धि के सतर पर हंसी आ रही थी, और परमात्मा ने कहा ठीक है, कलयुग बीते 5500 पाचा,
तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। हाँ, फिर इसने एक शर्त और रखी थी कि हे परमात्मा, जो आप नाम दोगे ना और जिससे वो पार होगा, वो सतनाम मुझे बता दो, ताकि जिसके पास वो सतनाम होगा मैं उसे दूर हो जाऊंगा। परमात्मा बोले, मुझे इतना बिल्कुल नादान मत समझे, इसा मेरा बावड़ा मत समझे मूर्ख, और जो तेने चतुरता की है इसका तुझे आगे पता लगेगा। परमात्मा ने कहा कि उस सतनाम को नहीं बताऊंगा तेरे को, तू तो जुल्म कर देगा, और उस सतनाम की यह शक्ति तूने देख ली है, जिसके पास मेरे हंस के पास सतनाम होगा, तो निकट जाके दिखा दिए उसके, आप पे पता लग जा कि इसके पास वो सतनाम तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सतनाम ऐसा होगा जैसे मैंने सतनाम का सिमरन किया तो पताल में जाके गिरा था, और जिस हंस के पास ये सतनाम होगा उसकी ये हालत होगी, कुछ छेड़ के दिखा दियो मेरे बच्चे को। तो क्या कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। घर घर देखो बोध विचारा, सतलोक सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम सुना सुना था इन राधा स्वामी वालों से, इन राधा स्वामी वालों ने सतनाम के कैख का पता नहीं, ये खान का है कि पीने का है, ये कोई सतलोक है या कोई स्थान है या कोई नाम है या भगवान है, ऐसे बच्चों जैसी व्याख्या इनकी सुनकर पढ़कर देखो इनके महापुरुषों की पुस्तकें। ओ संत मत प्रकाश भाग 1 2 3 4 नरेडंगे पर रखे इन्होंने, वही सतनाम वही सचखंड वही सतलोक वही सारनाम वही सतशब्द हर वही असली राम, वही हमारी सतनाम हमारी जात है। सतनाम ये 2 अक्षर का होता है, और इसकी आज तक छींट नहीं लगने दी। हाँ, परमात्मा जब आए उन महापुरुषों से मिले, उनको सतनाम दिया था, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इसका जिक्र ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा बने बनाए हमारे इस सारे मिशन का। तो जिन महापुरुषों से मालिक मिले वो सतनाम उनको दिया, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान दास बता रहा है, ये न कबीर पंथियों के पास है, और ये मूल नाम के अंदर कंप्लीट कोर्स आता है। कंप्लीट कोर्स जो प्रथम 7 मंत्र, दूसरा 2 अक्षर का सतनाम, और फिर 1 सार नाम, ये है मूल नाम। और जो दास आपको ज्ञान बता रहा है सृष्टि रचना आदि, सृष्टि रचना का जो विशेष कुछ ऐसा अंश है जो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कबीर पंथ के कबीर सागर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफी अंश निकाल दिए गए थे। तो ये परमात्मा ने कहा था कि वो मूल ज्ञान और मूल नाम छुपा के रखना। कब तक? फिर बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, उस समय घर घर परमात्मा बोध माने ज्ञान, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। अब आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं परमात्मा की शरण में आए गए हैं, किसी के घर पर मोबाइल चल रहा है, किसी के घर पर कोई टीवी में सीडी लगा रखी है और आरती हो रही है, सिमरन चल रहा है, जहां जहां भी आप जाते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ऐसा है कि जब भी आप सफर कर रहे हो तो भक्ति करनी है। कोई जैसे आप यहां से जाते हो या यहां के लिए आते हो, ट्रेन में आते हो, बसों में आते हो, अपनी गाड़ियों में आते हो, तो रस्ते में अवश्य सिमरन करते हो। कोई सुबह का समय हो गया, सुबह की आरती को, दोपहर की, फिर शाम की, दिन में मंत्र, तो इस तरह ये पूरे वातावरण में ये परमात्मा का जो यथार्थ भक्ति है इसकी ऐसी फैल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है,
और अभी तक विश्व के अंदर ये गाने बजाने बकवाद चर्चा और ये जो निंदा चुगली इस तरह की बातें जो विचार विमर्श होते हैं ये वायुमंडल में घूमते रहते, शब्द खंड नहीं होता। और अब ये वचन चलेंगे परमात्मा की सतवाणी के और सिमरन की, जो सिमरन करने से आपको तो ताकत आती ही है, वो जो बाहर निकलता है एक मंत्र उपदेशी पूर्ण संत से लेकर फिर जाप करते हो बाहर निकालते हो तो वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार ये सारे मालिक की वाणी चलती है। तो ये वो जो वचन पहले समाज में घर कर चुके हैं, सबके दिमाग बदले हुए हैं, माया की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, उनके अंदर फिर कुछ संतोष आने लगेगा। जो पुराने विचार हैं उनको इसमें ऐसी ताकत, जैसे आप देखते हो गंदी हवा ऊपर उठ जाती है, शुद्ध हवा नीचे आ जाती है। तो परमात्मा के जो वचन ज्ञान आप सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, चिप में सुन रहे हो, मोबाइल से तो मेमोरी कार्ड से चला रहे हो, या वैसे अपना सांस का सेवन करो, तो ये शुद्ध यथार्थ भक्ति है। ये वातावरण में नीचे नीचे रह जाएगी और जो ये पहले की बकवादे हैं, जो लड़ाई झगड़े घर घर में हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारे समाज में घूम रहे, तो सबके माइंड पर टकरा कर वो सबको ऐसे बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब में शांति आएगी और वो जो पहले वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे, वो आपको अफेक्ट करने की रेंज में नहीं रहेंगे। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक साधु संत अपनी किसी शिष्या के घर चला गया। उस लड़की के, उस माई के घर पे उसकी बहन आई हुई थी और उसकी बहन की लड़की विधवा हो चुकी थी, और उस संत के साथ दो चार भक्त और भी साधु थे, उन सब ने वहां पहुंच गए। तो उसकी जो शिष्या थी उस संत की, उसने अपनी बहन का सहयोग लिया खाना बनाने में, कि बहन खाना बना, कई भक्त आ गए हैं, महात्मा जी आए। तो जब उन्होंने खाना खा लिया, शाम ने वह सो गए, तो सारी रात वो संत बैठा रहा, ऐसा सपना आया उसको कि जैसे मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका क्या होगा, ये कैसे जीवन निर्वाह करेगी, मेरी तो भोली भाली बेटी है, ये कैसे जिएगी। ऐसा करता करता इतना बेचैन होकर उठा तो काफी चिंतित था कि क्या हुआ, ये भी कोई सपना, सपने में कभी ये बात भी नहीं करता, कभी चर्चा भी नहीं चलती है। बुलाई कि बेटी ये खाना किसने बनाया था आज रात का, कि मेरी बहन ने बनाया था गुरुजी, तेरी बहन को बुलाना, उसका तेरी बहन को कोई ऐसी दुर्घटना घटी है, उसके घर पे कोई ऐसी घटना घटी है, कोई दुख है उसको, हाँ जी बहुत भारी दुख है उसको, उसकी बेटी विधवा होगी अभी एक महीना पहले, और बहुत दुखी रहती है। अब वो बहन खाना बना रही थी और मंदिर से सिमरन वो हो रहा था, मेरी बेटी का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हे भगवान कैसे निर्वाह करेगी, अंदर से घड़ी दुखी थी। तो वो खाने में प्रवेश हुआ और वो खाना उसने खाया तो उसमें भी वो उचाटी पैदा करती। तो ये सूक्ष्म विचार आपको ऐसे प्रभावित किए हुए हैं और ऐसी ही प्रेरणा सब में बनी हुई, सपने में नो दुखी, कोई जीव सुखी नहीं। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी और ये फिर क्या करेगा, पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा, ये ऊपर चले जाएंगे जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, हमारी थोड़ी है, तो फिर भी ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा इनको धीरे धीरे। एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200-300 वो दूसरे चर्चा वाले, तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, पड़ोस पड़ोस में भी, फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी, क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के, और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को।
अपने छोटे से लेकर बड़े तक चाहे 20 बालक हो, एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे हैं, लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह जो की त्यों होती है। तो इसी प्रकार आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहे। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। उस परमात्मा ने जो वचन किया था और काल ने भी कहा था कि आप बेशक उस समय में कितने ही प्राणी ले जाना चौथे युग में, तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीटी हंस न तरही। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने, कबीर भगवान ने पहले हमारे को एक ज्ञान दिया था, इस काल भगवान को, जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। इसने उनको देखा और पढ़ा, इसको पता चला कि इसके अंदर तो वही ज्ञान है जो मेरा पर्दाफाश कर देगा। तो इसने वो मेन जो पार्ट थे, हिस्सा था, मुख्य हिस्सा, अंग उस वेद के कैंसिल कर दिए, चार वेद रख लिए इसने। इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, कबीर भगवान की, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम का नाम और ये पांचों यज्ञ, इतनी है बस। अब परमात्मा ने उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं आना पड़ता है। चारों युग में संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकरत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मैंने चारों युगों में आके ज्ञान दिया। सतयुग में परमात्मा का नाम सत सुकृत ऋषि था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि थे के नाम से प्रसिद्ध हुए, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर उनका ओरिजिनल नाम है, उस नाम से परमात्मा कलयुग में प्रकट हुए। इस कबीर नाम में भी बहुत ताकत है। जैसे कुरान शरीफ में एक कलमा है इनका, उस कलमा में करते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु माने अल्लाह, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबर नहीं, वो कबीर है। जैसे अपभ्रंश करके हम उसको अपनी अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं, तो अल्लाह कबीर है, कबीरु है, कबीरन है, तो बोलने का अंतर है एक और भाषा में अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर है, और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा स्वयं कबीर जी आकर मिले थे। उसमें तक हजरत मोहम्मद जी का बहुत बोलबाला हो चुका था, काफी शेष हो गए थे, मुसलमान उनके अनुयायी गणे हो गए थे, और उधर से एक जबरील नाम के देवता ने उनको इतना भयभीत कर रखा था, भयभीत करके उसने अपना ज्ञान यो कुरान शरीफ का पढ़ा दिया था। परमात्मा उनको मिले, सतलोक लेकर गए, यह एक मिनी सतलोक है, लेकिन वो नीचे की जो प्रभुता थी वो छूटी नहीं, वापस आ गए। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वाणी को यथार्थ चित्रार्थ किया है, उसमें कहा है कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गए हो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल यानी शरीर में पठाया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि हम मोहम्मद जी को हम मिले थे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं,
उनको अपने से परिचित कराते हैं। तो एकादि आत्मा है जो नहीं समझ सके भगवान को, अनुकूल नहीं चल सके। बाकी कलियुग के अंदर जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, उनकी बात को माना, उनके कुछ शुभ नाम दास आपको याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक संचालक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुराणी जिला चतर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी, गांव खेकड़ा, जिला अब बागपत हो गया उनका, पहले मेरठ जिला था, और आदरणीय रामानंद जी जो ऋषि माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे काशी में। तो इन सब इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इनको अपने से परिचित कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने सत्य को स्वीकार किया और इनको परमात्मा ने वो सतनाम भी दिया। वो सतनाम दो अक्षर का है, एक उसमें ओम है, एक सांकेतिक है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में तीन मंत्रों का जाप का निर्देश है, जिसमें एक तो स्पष्ट है ओम तत् सत, ओम तो स्पष्ट है यह ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है, एक तत् और ओम दोनों मिलकर के, तत् गुप्त है, जो सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो कौन सा मंत्र है। तो ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है दो अक्षर का। यही दो अक्षर का नाम धर्मदास जी जाप करते थे, सतनाम। इसको श्वास उश्वास से जाप करना होता है, श्वास जो बाहर छोड़ते हैं एक मंत्र छोड़ना होता है, अंदर लेते हैं जो दूसरा मंत्र सतनाम के दो अक्षर का। तो इस प्रकार सिमरण किया हुआ है सतनाम की बहुत बड़ी कीमत होती है। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि जो सतनाम तुम्हें प्राप्त है अधिकारी से मिले, जैसे इस दास से ये दीक्षा ले ले कोई, और तीनों नाम भी प्राप्त कर लिए उसने, क्योंकि ये तो आपको देने ही है जब योग्य हो जाओगे, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जा किसी मूर्ख की और वो अपने आप स्वयंभू गुरु बनकर इन मंत्रों को आगे देने लग जावे, तो उसे कोई लाभ नहीं होने वाला, वो तो अपना जीवन नाश कर दिया उसने, क्योंकि गुरुद्रोही हो गया। और जो उसके शिष्य होंगे उनको कति लाभ नहीं हो, क्योंकि अधिकारी के बिना ये मंत्र काम नहीं करे। अब जैसे एक व्यवहारिक बात है, कोई आपने पासपोर्ट बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है गाड़ी चलाने का, यदि कोई डुप्लीकेट जोंका तो बना दे और नकली अधिकारी दर्शन कर दस्तक कर दे, ठीक है, इसको आप लेकर खुश भी हो जाओगे, गाड़ी भी चलाओगे, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति होगी, और जिससे बनवाया हुआ भी जेल और आप भी सजा के पात्र होगे। ठीक इसी प्रकार इस विश्व में आज के दिन इस दास के अतिरिक्त इस सतनाम सार नाम के देने का कोई अधिकारी नहीं है, ये याद रख लेना। और यदि इस दास से नाम लेकर के कोई स्वयंभू गुरु बनकर नीचात्मा ये गलती कर रहा हो, उससे भी बचना है, अन्य समाज को बचाना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि परमात्मा का वचन है उस काल के साथ कि ज्ञान देकर आप अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। अगर हम बाई फोर्स करेंगे किसी के साथ तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। हमने ज्ञान सुनाना है, सुनने वाला भले ही आपको कोई नाराज भी होता है, आपको बुरा भला भी कहता है, तो शांति रखना, फिर देखना एक दिन आपके गुण गावेगा जब उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है कि ऐसा कोई निकम्मी आत्मा कहीं अपने कर्म फोड़ रहा हो, अपने कर्म बिगाड़ रहा हो, तो उसको भी समझाना कि भाई साहब क्यों अनमोल जन्म खो रहा है, तो काहे का गुरु है, आज तक हमने ऋषि मैं ऋषियों के इतिहास पढ़ लिए, हजारों की संख्या में संतों के प्रवचन सुन लिए, किसी ने कह है नहीं पता इस सतनाम का, और आप कहाँ से चुरा कर ले आए। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर
सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। तो इस सतनाम को इस दास से लेकर मर्यादा में रहकर आप इसकी भक्ति करोगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। सतनाम एक सांस बाहर छोड़ा, एक मंत्र दूसरा अंदर लिया, ये कंप्लीट हो गया, ये एक सिमरण हो गया सतनाम का। और इस सतनाम की कितनी कीमत है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदनीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी जिला ददर वाले को, क्योंकि परमात्मा का जो काम है वो कोई निष्प्रयोजन नहीं होता। और उन्होंने पहले ये कह रखा था, धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर वाणी एक चैप्टर है परमात्मा कबीर सागर में, उसकी 134, 136 और 137 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है कि 12 पंथ ये काल के नकली चलेंगे, और बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास जी का होगा, जो 1774 में जिसका जन्म होगा। और कबीर सागर में गलती से 1775 प्रिंट है, एक वर्ष की वजह से लिखण में गलती हो रही है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास जो बर्मा पंथ आवेगा ना, बर्मा पंथ का जो प्रवर्तक होगा उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः लिखवाऊंगा। लेकिन ये 12 पंथी कबीर पंथ मेरे नाम से चलाओगा काल, और बर्मा, क्योंकि जो ये महापुरुष थे गरीबदास जी थे, ये महान आत्मा थे, लेकिन इन्होंने वाणी तो बिल्कुल सारी लिख दी, इनके जाने के बाद जो उस वाणी को ना समझकर अपनी अपनी डफड़ी अपने अपना राग ये गरीबदासी और कबीर पंथी पीट रहे। तो परमेश्वर ने कहा था, जब बर्मा पंथ चल चुका होगा तब मैं अपना एक मैं खुद जाऊंगा उसी पंथ में, बार में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उसके बाद ये दास भेज दिया, भगवान नहीं आए तो उस गरीब दास के पंथ में। तो इसलिए वो जो वाणी परमात्मा ने कहा था कि बार में पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और कहते हैं 12 पंथ हम ही को धावे और अस्त्र घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी ले जीव समझावे असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। हमारी इस वाणी को, गरीबदास जी की वाणी को, मेरी वाणी को ये आधार बना के ज्ञान तो दिया करेंगे, लेकिन ये इसके असली रहस्य को ना समझकर असंग जन्म पार नहीं होंगे, फिर बार में पंथ हम ही चलावे, गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरही, ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था कि जो मैं तुझे यथार्थ ज्ञान दे रहा हूं और इसको अभी छुपा के रखना, और जो मूल मंत्र है, सार नाम है और ये कंप्लीट कोर्स है, इसको तो छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो पिछली पीढ़ी के मेरे हंस पार नहीं होंगे मेरे बच्चे। फिर परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मघर मांडो मैदाना, कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर में 137 पृष्ठ पर भगवान ने कहा है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर शतान से सहशरीर जाऊंगा। तो 1518 में संवत 1775 में सन 1518 में परमात्मा मगर शतान से सहशरीर शत्रुओं गए थे, वो था प्रथम चरण, 120 वर्ष लीला करके गए थे। फिर कहा था बिचली पीढ़ी जब आवेगी,
सार शब्द बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब बिचली पीढ़ी कहां से शुरू हुई है? कलयुग बीते 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीते कलयुग 5500 जब कलयुग बीत जावे महापुरुष फरमान ये जग तारण को आवे। सन 1997 में यो कलयुग 5505 वर्ष बीत गया। सन 1994 में दास को नाम देने का आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव जी से हुआ था और उसके बाद ये बिजली पेटी अब शुरुआत हो रही है जिसमें आपका जन्म है। तो जो प्रसंग चल रहा था तो परमात्मा ने वो सतनाम की महिमा बताई है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं एक मौखिक जाप करने लग जाए इंसान जीभ पे छाड़े पड़ जाए और कितना नाम जाप कर सकता है। मौखिक जाप 1000 बार और उसी मंत्र का जाप यदि आप मानसिक करते हो तो वो एक, और उस मंत्र का अगर श्वास से सिमरण किया जाता है, कौन से मंत्र का? जो यथार्थ मंत्र है, अटपट का नहीं, तो उसका उस मानसिक से भी 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। अर्थ मंत्र जो श्वास का आपको दिया गया अधिकारी से प्राप्त हो, यानी कोई भी वस्तु है कोई भी काम है मर्यादा से चलता है। परमात्मा ने भी अपनी मर्यादा बना के छोड़ दी है कि छोटा सा बच्चा गर्भ में होता है फिर वो बाहर आता है, समय पर बाहर आता है तो माँ के सतन में दूध पहुंच जाता है पहले ही क्योंकि उसके दांत नहीं होते। फिर समय युवा होता है इतने समय में, फिर इतने समय में फिर मरता है, ये मर्यादा भगवान ने बना रखी। इसी प्रकार इस भक्ति की भी मर्यादा, इसमें इधर उधर होने से लाभ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या बताया भगवान ने कि परम संत से लेने के बाद जो एक श्वास का जाप आप करोगे उसको और मर्यादा में रहोगे तो आपकी इतनी पूंजी भक्ति की इकट्ठी हो जाएगी। अब ये समझ लो कि जैसे एक तो पैदल चले, पैदल जाने में आगे समुद्र बनगी, समुद्र देख जहां तक देखते जल ही जल है, जल ही जल है, वापस आ जाता है कि आगे धरती खत्म। तो इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने जो अपनी पैदल यात्राएं की सब अपने अभ्यास से जो मंत्र ये करते थे तो त्रिकुटी पर जाकर वापस हो लेते थे कि इसका आगे कुछ है ही नहीं, त्रिकुटी का कोई स्थान नहीं, इसे आगे तो बहुत ज्यादा वस्तु है। तो इस प्रकार जहाज में बैठ कर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा ये ऐसी साधना है, ऐसा ये ज्ञान बन जाएगा इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस शरीर के अंदर सुन रहे हैं तो एक पिंड है और इस पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड का ही इसमें जो कुछ भी हो रहा वही सुनाई देता, वही दिखाई देता। जो इसके अंदर हमें धुन सुनती है जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले तो इसी पर जोर दे रखा है कि अंदर कान दाब करके देखो, देखो अंदर घंटियां बज रही हैं, इसमें मुरली की आवाज आती है, बांसुरी की आती है, तो वो सुनते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बादल की गर्जना सुन रही है। ये तो इस एक ब्रह्मांड काल का ही साज बाज है। ये इससे बाहर है वो, ऊपर सतलोक से वो अलग आती है वो धुन, और केवल उसी को सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सारनाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है, शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका, आप स्वयं नहीं जा सकते। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहां से ले जाया जाएगा, आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहां से आस्था हट जाएगी, महात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे। हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे यहां से, हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरुजी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे, वहां सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहां आ गए, भाई नीचे ये कवर पड़ा रहेगा,
ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है, वैसे तो ये बहुमूल्य है क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ, ऐसा पशु का ऐसा मनुष्य का। तो इस मनुष्य शरीर को तो ऐसा समझना, भक्ति करने के बाद इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। जैसे अंडे में बच्चा बनता है और बच्चा बनने के बाद अंडा उड़ जाता, बच्चा उड़ जाता है और कवर पड़ा रहता है, तो मूल वस्तु जो बनानी थी वो बच्चा बनना था उस अंडे में, उस अंडे बिना बन नहीं सके था, अंडे के कवर बिना। तो ये तो एक अंडे का कवर है जो अपना है, इसके अंदर ओरिजिनल इस ताकत से भक्ति से, जैसे पक्षी को अंडे को मादा पक्षी ऊपर बैठकर उसको ऐसी हीट देती है, अपनी ताकत देती है जिससे वो बच्चा बन जाता है, और बच्चा बनने के बाद वो फूट जाता है और वो उड़ जाता है, कवर पड़ा रहेगा। तो ये दास समझो, माता समझो, और आप इस शरीर रूपी कवर में बच्चे समझो। इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति दे देकर आपकी भक्ति इतनी चार्ज हो जाएगी सूक्ष्म शरीर के अंदर, चलते समय ये ऊपर का कवर अंडे का पड़ा रहेगा और वो असली वस्तु सतलोक पहुंच जाएगी जो इसका प्रयोजन था। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, देह गिरी तो क्या हुआ, ये झूठी सब है पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। एक और उदाहरण दिया है कि ये जो शरीर है तेरा, ये अगर ये तो खत्म होना है, यो अगर आपने भक्ति सही कर ली और सत भक्ति कर ली, कमाई इसकी इकट्ठी कर ली, तो ये बेशक गिरी रहो, ये तो ऐसी है उस समय तेरे लिए जैसे पक्षी उड़ते समय और बीट करके उड़ जाए। ये शरीर जो है मनुष्य का, ये तो बीट समझो, और ओरिजिनल वस्तु इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें यह भक्ति चार्ज हो जाएगी आपकी। उस भक्ति से चार्ज होने के बाद ये निकल कर चला जाएगा, आपको ऐसे समझो कि पक्षी बीट कर जाकर यू ऐसा शरीर रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं फिर। और जब तक ये आपके पास है, आपको उदाहरण दे दिया, अंडे बिना बच्चा नहीं बने, इस शरीर के बिना यू मोक्ष और इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती। और जब हमारा काम पूरा हो गया तो ये शरीर छूटेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा अंडे में ना निकलेगा, अंडे में मरी जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इससे निकलेंगे फिर ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे पहले, तो इसको मार पीट कर निकालते यम के दूत, और इस भक्ति की ताकत से आप एक सेकंड में बाहर पाओगे इसे और परमात्मा के विमान में और सतलोक जा रहे होगे। तो ये इतनी ताकत देगा आपको ये सतनाम। तो उसके बारे में जैसे हम आपको बहुत से मर्यादा बताते हैं कि आपने ये त्योहार आता है होली, इसके अंदर कुछ भी सहयोग नहीं देना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है ना इस पर, क्योंकि हम देखो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपका मन हटेगा इन बकवादों से। एक भक्त बता रहा था कि हमने 10 वर्ष तक कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। हमारा एक परिवार है, चाचे ताऊओं का 10-12 घर है, 3-4 घर है, उनमें 10 मौत होगी, एक एक वर्ष में 2-2 हो जाती, कई मौत होगी। तो कोई भी त्योहार हमने नहीं मनाया, त्योहार निकट आवे और कोई ऐसा निकट संबंधी या कोई भाई या माँ बाप वो मर जाए, युवा कोई ऐसे कोई बहन विधवा होगी, हमने कहता 10 साल हो गए त्योहार नहीं मनाया कोई भी। अभी इधर से होली खेल रहे हैं, उधर कोई मृत्यु का संदेश आ जा, टक्कर मार रहा होता हो, अब खेल ले होली, खेल के दिखा इसे गंदे लोक में, क्या करना था क्या करने लग गए आप लोग। तो गरीबदास साहिब जी के पास गांव के लोग आए कि आओ महाराज होली खेल लेंगे। परमात्मा के बच्चे बोले, भाई हम ये होली नहीं खेलते, हम होली खेलते हैं राम नाम की। राम नाम की होली जो खेलता उसको कभी हानि नहीं होती, दुख नहीं होता, और राम नाम की होली भी तभी खेली जाएगी जब हमारे पास राम का नाम सही होगा। तो राम नाम कौन सा है सही, गरीबदास जी तो क्लियर कर रखा है,
राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। यू है राम का नाम। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, सत नाम पालड़ रंग होरी हो, यानी ग्रंथ में गुरु गरीबदास जी की वाणी में तो वो अक्सर न्यारे न्यारे लिखे हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, उसको मैं सतनाम बोल रहा हूं। ग्रंथ में वो दोनों मंत्र न्यारे न्यारे लिखे हैं, ये और ये मंत्र पालड़ रंग होरी हो, तो उसको गुप्त करके दास सतनाम बोल रहा है। वैसे गरीबदास जी की वाणी में वो दोनों मंत्र लिखे हैं कि दोनों मंत्र पालड़ रंग होरी हो, मैं उसको सतनाम कह रहा हूं। तो क्या कहा कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अभी सतनाम की आप भक्ति करोगे तो आपके घर पर कोई आपत्ति नहीं आओगी, ना कोई अकाल मृत्यु होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोग सतावेगा। तो असली होली, असली खुशी तो हम राम नाम के रंग से ही खेल सकते, उनका कहने का भाव ये है। अब जैसे तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर बैलेंस बोलो अंग्रेजी में, इसके दो पलड़े होते तराजू के, और इसमें एक पासिंग शब्द आया पासिंग, शायद अब तो पासिंग एजुकेटेड को पता नहीं होगा पासिंग किसे कहते हैं। जब तखड़ी के अंदर तराजू के अंदर कोई त्रुटि होती थी, अनबैलेंस्ड होती थी उसमें, जो उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी वह त्रुटि रहित करने के लिए ऐसे चेक किया जाता था। हमारे घर पर हमारे पिताजी के पास ये दुकानदार बनिए लोग सौदागर आते थे गेहूं बाजरा ज्वार मोल लेने के लिए, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। तो हमारे पिताजी कहते थे, सेठ जी पहले अपनी वो तखड़ी चेक करा, इसमें कोई डांडी तो नहीं है, यानी कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसे करता था, तो अगर कोई डिफेक्ट होता टेढ़े मेढ़े होते वो, तो दूसरी तरफ उसको बराबर करने के लिए जो कणक तोलनी होती, मान ली गेहूं तोलना है, तो थोड़ा सा गेहूं उठाकर 10-20 गेहूं उठाकर और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, और वो फिर तखड़ी बराबर हो जाती थी, उसमें त्रुटि नहीं रहती थी। तो पासिंग जो है वो 4 दाने 20 दाने गेहूं के, वो कोई सौदे में नहीं है। सौदा तो फिर है, वो 10-20 क्विंटल तोला जाएगा गेहूं, वो है सौदा। तो कहने का भाव ये है कि इस परमात्मा का एक सतनाम विधिवत लिया हुआ, जो 2 अक्षर का मंत्र जो है, एक सतनाम कंप्लीट हो जाता है, एक बार बाहर छोड़ो दूसरा अंतर ये हो गया पूरा, बस एक मंत्र ये है। इसको उस तराजू के एक पलड़े में रख दो और यहां के 14 लोक चढ़ा दे, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, ये और ऊपर के ब्रह्म लोक, और ये जितने भी खेड़े हैं ये, और ऊपर के गोलोक वगैरह, ये ऐसे 14 लोक होते तला तुल, ये सारे कहते ये एक साइड में चढ़ा दो, और 3 लोक तो पासिंग रख दो। पासिंग जिनका कोई सौदे में लिंक नहीं है, वो कौन कौन से 3 लोक, या पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक। अब पुण्य आत्माओं, क्योंकि आपको ना तो कोई ज्ञान देने वाला मिला अपने को, और ना ही हमें सिद्धार्थ मार्ग का ज्ञान है, जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे तो ये छोटी मोटी जो आप कोई कोठी बंगले, कोई 150 एकड़ जमीन लेकर के अपने आप को धन्य मान बैठे हो, यो अंधेरा हटेगा आपका। अब कोई MLA बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, न फूला नहीं समाता, सरपंच बन गया, चेयरमैन बन जाता है, MLA बन जाता है, एक मंत्री प्रधान मुख्यमंत्री बन जाता थोड़े से स्टेट का, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको, जैसे बच्चे अनजान खेल रहे हो गुड़िया के साथ। और परमात्मा क्या बताते हैं कि जो धन, जो वस्तु, जो कमाई आप कर रहे हो, वो कितनी कीमत आपके पास इकट्ठी हो रही है।
कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते हैं सारा संसार निर्धन है, चाहे सारी पृथ्वी का शासक हो और चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो, देवताओं का भी राजा हो, और आपके पास इतना धन होगा कि आपके लिए ये तीन लोक भी पासिंग होंगे, इनकी यूजलेस, तीन पूरी पृथ्वी भी यूजलेस आपके लिए, आपको ऐसा स्थान, ऐसा धन, ऐसी वस्तु वहां मिलेगी जाकर के। अब क्या बताते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, सब समझता है मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया, और जब वो धातम ज्ञान से परिचित हो गए और आप तो हो ही लिए, तब आपको पता चलेगा इसने तो अपना जीवन नाश कर लिया, खाक सफल कर लिया मनुष्य जीवन को, मनुष्य जीवन का काम तो शुरुआत भी नहीं की। आज कोई पूर्व में कोई अच्छा नेता था, कोई अच्छा कोई संत महात्मा था, और उसका क्या करते हैं, एक मरने के उपरांत एक उसका स्टेच्यू बना, उसकी स्थापना कर देते, एक ऊपर छतरी ही बना देते, और वो कहीं गधा बना होगा बिना भक्ति करके, और वहां उसके एक साल में माला डाल रहे हैं, उसकी बड़े गुणगान कर रहे, तो खाक गुणगान है ये। तो परमात्मा के ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे, तब आपको महसूस होगा कि आपको क्या मिला, अरे संसार को क्या मिला, जो आपको आज महिमावान नजर आ रहे हैं, अंत लास्ट में जो भगवान के दरबार में आपकी कीमत आंकी जाएगी, उसमें पता चलेगा वो तो कौड़ी थे जो सारी पृथ्वी का राजा हो, और आप लाल बन गए इस भक्ति के करने से, भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक मंत्र और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और तीन लोक पृथ्वी स्वर्ग और पाताल, ये तो सौदे में नहीं हमारे में, इसको तो पासिंग रखे, ये तो यूजलेस, जैसे वो चार दाने रखे थे, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, ये दो अक्षर का नाम है। तो आप देखिएगा कि आप कितनी भक्ति कर रहे हो, और इस आप इतनी भक्ति करते करते भी आपको कितना समय लगेगा, जैसे बैटरी आपके फोन मोबाइल की, और ये डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है जब चार्जर पर लगाते हैं, एक एक घंटा लगी रहती है जब जाके चार्ज होता है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो आपकी भक्ति इतनी कमजोर हो गई थी, आपकी आत्मा इतनी डिस्चार्ज हो ली थी कि ये सिमरन और ये भक्ति और दान धर्म आप आजीवन करते रहोगे, तब जाकर के आप चार्ज होगे और ऊपर जान जोगे होगे। तो इसे सदा के जब आप ऊपर से आए थे तब कितने आपके पास भक्ति धन था, उसको इस काल ने लूट लिया आपका। सबसे पहले इसने स्वर्ग बनाए, महास्वर्ग बनाया, और वहां इसने रेस्टोरेंट बना रखे। आप जो पुन अपने बाप से लेकर आए थे सतलोक से, इसने सारे खर्च करवाए सतलोक ऊपर स्वर्ग में। जब आपको लूट लिया उस रेस्टोरेंट में, आपके 10% किसी पर 25% ये कमीशन लेता है उन स्वर्ग में, और बाकी जो खाना पीना आपको देता है उसका मनमाने रेट लगाता है। आपको वहां बकवाद करने के लिए अपने उर्वशियां छोड़ रखी हैं और विमान दे रखे, कहीं सैर सपाटे करो, खर्च आपके पुण्य हो रहे होते। जब आप वहां कति कंडम हो जाते हो, खाली हो जाते हो, तब आपको पृथ्वी पर पटक देता है। फिर परमात्मा ने विधान दे रखा है, इसने यू इनकम्प्लीट आपको दे रखा है वेद, इसके शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो फिर चार्ज हो जाओगे। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर स्पष्ट ये भी किया कि अर्जुन, इससे तेरे लिए करते
कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए उसके लिए प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होता है ज्ञान, जो परमात्मा खुद आकर अपने मुख कमल से बोलता है वाणी, वो उसके अंदर इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान जो दे रहा है उसको पता नहीं है उस तत्व ज्ञान का। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 के अंदर कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है यानी जन्म लेता है राम और कृष्ण के रूप में, कोई असंभवात कहता है कि वो कभी जन्मता ही नहीं, वो निराकार है। इसकी सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। उनसे सुनो, तीन ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर गिर गया कि जब इन वेदों से हटकर भी कोई और बताने वाला है और कोई ज्ञान भी और है, वो इनको पता नहीं चला। इन्होंने ओम नाम को अंतिम मान के अपने निष्कर्ष निकालकर इस पर दृढ़ हो गए। ये जब ओम नाम का जाप करते हैं ब्रह्मलोक चले जाते हैं, वहां पूंजी समाप्त करके लुट पिट के ये फिर वापस पिटक दिए जाते हैं। इसके दौरान जो पाप होते हैं वो पाप भी भोगने पड़ते हैं। यहाँ सभी कर्म आपको भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। केवल एक सत साधना जो दास आपको बताता है, इस पर चीप और है नहीं, और ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी की दी हुई है। इससे आपके पहले के पाप भी नाश होंगे, वर्तमान के भी नाश होंगे, और फिर आप सतलोक चले जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये क्या करता रहा अभी तक? इसने सबसे पहले आपको ऊपर रखा, वह आपकी सारी पुण्य जो वहां से लाए थे वो सारे लूट लिए, फिर आपको पटका पृथ्वी पर, फिर भी आपके कुछ पुण्य शेष थे तो सतयुग बनाना पड़ा भगवान ने आपके लिए कि जैसे कर्म आप लेकर उतरे हो उसकी व्यवस्था यहां अवश्य करेगा। अब एक बार देख लेना, आप सारे सत भक्ति पर लगोगे जो विश्व लग जाएगा, ऐसा वातावरण चेंज होगा इस पृथ्वी का, जगह जगह फलदार वृक्ष होंगे, भटकते फिरते हैं पेट के लिए, आप घर बैठे आपको वो सुख देगा, याद रखोगे तभी भक्ति करेंगे, संतोष होगा। अब हम भक्ति उसी समय कर सकते हैं जब हमारे ये अन्य जो परंपराएं बेमतलब की, किसी गरीब व्यक्ति के दो कन्या होगी, तीन होगी, उसका तो मरण हो जाता, भक्ति सोसो कोस नहीं, कैसे ब्याहूंगा, दहेज के राक्षस तैयार बैठे हैं, पता नहीं कैसे बेटी पराई होगी, और फिर कोठी बंगले बनाने लगे, फिर कर्जा हो गया, उसके ऊपर टेंशन, तो ये सब समस्याएं समाधान होंगी। और परमात्मा जब आप भक्ति करोगे तो सतलोक से आपके हिस्से की इस पृथ्वी पर इस काल को देगा, ये तो भिखारी, इसके पास है नहीं कुछ भी। पुणात्मा, आपने भगवान सुना सुना था, जाना नहीं था, दास ने उस भगवान को जाना है। अब जैसे जब परमेश्वर कबीर जी एक कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए लीला कर रहे थे, एक झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा शाम का है तो सुबह का शायद ही होता, और उस समय वो प्रचार भी करते थे, जनता को समझाया करते थे, अपने बच्चों को, वो तो एक लीला करने आए थे, आते ही हैं ऐसे, वो नियम है उनका, प्रत्येक युग में एक बार वो ऐसा करते हैं। तो उस समय एक निर्धन व्यक्ति हैंड टू माउथ कमावे और खावे, कपड़ा बुने, एक हफ्ते में कितना कपड़ा बुन देगा आदमी, 50 फुट भी ना बने, 20 फुट भी ना बने, और उसके बिकने के बाद वो मेन दाना मिलना था बस, उससे गुजारा कर रहा, और उसकी और ज्ञान सुनाते थे भगवान यही, क्योंकि उद्देश्य ही लेकर आते। तो उस समय उनका इतना विरोध कर दिया था हिंदू और मुसलमान के धर्म गुरुओं ने, ना वो ज्ञान से हारे परमात्मा कबीर जी, उनके पास कख था ही नहीं, सब परमात्मा के ज्ञान के सामने वो टिक नहीं पाए, ऐसा सॉलिड प्रचार था परमात्मा का, ऐसा ज्ञान था, और ना मारने से मरे। तब उन्होंने एक ऐसी युक्ति लगाई, घटिया षड्यंत्र रचा कि कबीर एक निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो, किनके पास, उन महामंडलेश्वरों के पास जिनके सैकड़ों शिष्य उनके आश्रमों में रहते,
उस समय सबको चिट्ठी डाल दी कि कबीर नाम का एक सेठ, कबीर पुत्र नीरू, काशी शहर, और 3 दिन का भंडारा करेगा, भोज देगा 3 दिन का, और उसमें क्या क्या देगा, एक दोहर देगा, एक सोने की मोहर देगा। सोने की मोहर मीन यानी 10 ग्राम सोना, और एक दोहर, दोहर उस समय सबसे कीमती एक साल टाइप होता था, दोहर सर्दियों मॉडर्न की बहुत बढ़िया चादर होती थी, सेठ लोग रखते थे उसको, आम आदमी दोहर प्रयोग नहीं कर पाता था। तो एक दोहर देगा दक्षिणा में, एक मोहर देगा, कोई शुद्ध सूखा सीधा चाहेगा सूखा सीधा भी मिलेगा। सूखा सीधा बोले चावल खांड आटा नमक ये इस तरह की दाल, एक आदमी का जो मांगे मुझे सूखा भी दे सूखा भी ले जा, और ये तो देगा ही देगा, जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार ही एक दोहर एक मोहर देगा। तो ये लालची साधु संत, ये लालची हो जाते हैं कि घर से बाहर निकलने के बाद सब वस्तुएं चाहिए इनको। और जब उन ऋषि उन मंडलेश्वरों को पता चला कि ऐसा दाव लगेगा, तो उन्होंने लूले लंगड़े सारे चेले ले लिए साथ में, अब चेलों को मिलेंगी खाने के बाद दोहर मिलेंगी मोहर मिलेंगी, तो वो तो मेरी होंगी, तो प्रधान उनका गुरु होते थे वह। तो इस करके सबको लटका लाए, लूंगे लूले लंगड़े को भी 18 लाख इकट्ठे हो गए, 18 लाख। अब पुण्य आत्माओं, अब गरीबदास साहेब परमात्मा से परिचित हो चुके थे, उन्होंने फिर उनकी कैसे चित्रार्थ किया कि सुबह सुबह जब ये रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी, रविदास जी चमार जाति से थे, कबीर साहब जुल्हा जाति धानक जाति से मैं प्रसिद्ध थे, क्योंकि वैसे तो मालिक थे, संतों का कोई जाति नहीं होती, फिर भी उस समय विशेष छुआछात भेदभाव था, वो दोनों ज्यादा निकट रहते थे। तो सुबह सुबह रविदास जी ने देखा कि ये क्या हो गया, जहां तक नजर जावे जनता 18 लाख आदमी थोड़े नहीं होते, या मेरे ख्याल में तो बहुत सारे इशार के अंदर नहीं होंगे 18 लाख आदमी। तो 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए, वो साधु संत रविदास जी सुबह सुबह उठे, उनसे पूछना लगे कि भाई क्या बात है, अब कौन हो, कहां से आए हो। तो ऐसे पूछने वाले उनको बहुत मिल चुके थे, तो वो साधु संत कहते हैं कि काशी वालों, ए बनारस वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हम इतनी दूर से चलाए, तुम्हें यहां नहीं पता कि यहां क्या हो रहा है, यहां एक कबीर नाम का सेठ है, पुत्र नीरू, कबीर पुत्र नीरू, और वो एक भंडारा करेगा, हम उसके लिए आए हैं, आज ही शुरू होने वाला है। रविदास जी ने कहा कि कौन, फिर कहना भाई कौन है, किसका नाम से हो रहा है कि कबीर पुत्र नीरू और काशी बनारस। अब कबीर पुत्र नीरू तो एक का था जो रविदास जी को पता था कि भी तुम्हारे पास कोई, रविदास जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई लिखित है, अखान जी देखो सबके पास पर्चे गए, हमारे पास चिट्ठी गई, हमारे पास तब आए, वैसे थोड़ा आते हैं। रविदास जी ने जाके भगवान को बताया घर पे कुटिया पे कि महाराज अब काशी छूटेगी अपनी, इन्होंने तो जुल्म कर दिया, ऐसी ऐसा जुल्म कर दिया कि अब हम यहां नहीं रह पाएंगे बनारस में। परमात्मा बोले क्या बात है कि ऐसे ऐसे बात होगी, लाखों आदमी आए हुए हैं और सब ने चिट्ठी दे रखी, इन झूठे लोगों ने ये हमारे साथ मजाक किया है, इन गुरुओं ने मुसलमान और हिंदुओं ने मिलके, और बहुत लोग आ गए। परमात्मा बोले रविदास जी दरवाजा बंद कर बैठ जा अंदर, हम दरवाजा खोलेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, रात होने दे, घर छोड़कर चला जाऊंगा मैं अपने बच्चों को लेकर, ये नहीं जीने देंगे यहां पर मेरे को। रविदास जी को तो वहां बैठा लिया अपने साथ, और परमात्मा पहुंच गए सतलोक में, संदेश कर दिया वहां से कि तैयार करो सतलोक से 9 लाख बैलों, पहले बैलों से यातायात होती थी क्योंकि रस्ते नहीं थे, ना बैल गाड़ी चला करती थी, बैल आगे पीछे चलते थे,
एक दूसरे का रस्सा बांधकर और बैलों के ऊपर जैसे गधों के ऊपर थैले रखते हैं, ऐसे बैलों के ऊपर कमर पे थैले रख के उसमें ये बंजारे यानी व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। उसमें किसी में जैसे 100 बैल हैं, 100 बैलों में मनमाने एक एक मन वजन डेढ़ डेढ़ मन तो डाल ही देते थे। तो कोई शक्कर डाल रहा है, कोई चावल ले रहा है, तो ऐसे लाते थे पहले। इनको बंजारे बोलते थे, बंजारे यानी जो वणज करते हैं, जो सौदागर होते हैं, उनको उसमें बंजारा कहते थे। और बंजारों के लिए साधन ये बैल ही होते थे, बैलों के ऊपर सामान रखकर आते जाते थे। जिस कारण से परमात्मा ने एक बंजारे का रूप बनाया, केशव नाम रख लिया, और सतलोक में गए, आदेश पहले दे दिया था कि सामान बना बनाया बैलों के ऊपर, बैल उन जीवात्माओं को आदेश दिया। अब यहां आप देखते हो कि परमात्मा का सारा ही उसका लोक है, और वहां जाके भगवान ने 9 लाख बैलों पर बना बना सामान रखा, और उसमें 10-20 हजार वो खाना खिलाने वाले सेवादार भी ऊपर से ही आए बंजारे बनके, और काशी में आगे एक सेकंड में, एक पलक में, गरीबदास जी ने लिखा है एक पलक, पलक इतनी होती है, सतलोक से नीचे उतर गए सारे के सारे, और इतनी दूर से फिर चलते भी आ रहे, बिल्कुल समय पर वहां लगा के टेंट तंबू और भंडारा शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जो परमात्मा के से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत से सुख दिए थे, उसको भी शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था जो कबीर परमात्मा का विशेष विरोधी था, और वो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का खास धर्मगुरु था। तो उसने एक चिट्ठी सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को भी दे दी थी कि आपको आपके गुरुजी बुला रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। अब उस चिट्ठी को पाके वो भी पहुंचे, वहां जाकर देखा भंडारा चल रहा था। शेख तकी ने ये सोचा था कि आज कबीर काशी छोड़कर भाग गया होगा, और ये सिकंदर लोधी उसके घने महिमा सुनाता है दुनिया को, इसको भी पता चल जाएगा और इसकी आस्था उससे हट जाएगी। और शेख तकी इसी ताक में रहता था किसी प्रकार राजा का मन उससे हटे और मेरी तरफ जुड़ा रहे, ईर्ष्या थी उसको। जब वहां जाकर देखा भंडारे चल रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े जो कुछ मांग रहे, जो खाद्य पदार्थ होती है, खांड घी देसी हलवा पूरी और खीर चावल सब कुछ बना बना कर टेंटों के अंदर से भक्त ले जा रहे हैं और बांट रहे हैं। अब शेख तकी ने तो सोचा था वहां कोई नहीं मिलेगा, उसको गाली देते पाओगे लोग इकट्ठे होकर, और वहां जय जयकार हो रही वह भंडारा देख देखा तो कबीर जी दशाए था ऐसा स्वादिष्ट और ऐसी व्यवस्था के देखी न सुनी, पास बैठो को सबको जहां बैठे हुए भोजन मिल रहा है, और चलते हैं जब एक दोहर एक मोहर वो साथ मिल रही है। अब शेख तकी की तो मासी मरगी, वो तो बैठ गया पेट कलेजा पकड़ के, अग्यो तो अब भी नहीं भागा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि ये कौन व्यवस्था कर रहा है, तो खाने वालों ने बताया कि एक टेंट में बैठा व्यक्ति वो व्यवस्था कर रहा है। वहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, एक सेठ के रूप में बंजारा केशव नाम रख के। सिकंदर लोधी ने कहा जी प्रणाम। अखा जी प्रणाम, आओ आप कौन हो? सिकंदर लोधी ने पूछा कि मैं, मेरा नाम केशव है राजन, आप कबीर जी के क्या लगते हो? सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया, परमात्मा केशव ने कहा कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, वो मेरा यार है, और उसने मेरे पास एक चिट्ठी डाली थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा, तो उसके आदेशानुसार मित्र के लिए मैं ये भोजन भंडारा करवा रहा हूं। अब शेख तकी ये सुना कि ये तो यूं कह रहे छोटा सा भंडारा है, इसको 18 लाख व्यक्ति भोजन खा रहे,
उसका तो और घड़ो पानी गिर गया। तो फिर सिकंदर लोदी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है, वो नहीं आए क्या मेले में जहां भंडारा चल रहा है वहां नहीं आए हैं क्या। तो केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा जब उनका दास बैठा है, उनका मित्र बैठा है, मालिक आएंगे जब आ जाएंगे उनका मूड होगा, हम जो आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं। सिकंदर लोदी ने सोचा भी पहले दर्शन करूंगा गुरु जी के और फिर भोजन खाऊंगा। तो झोंपड़ी पर चले गए, हाथी पर बैठे बैठे सैनिक साथ में थे। अब सिकंदर लोदी हाथी से उतरा, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि गुरुदेव दरवाजा खोलो। अब रविदास जी ने कहा कि महाराज वो तो यहां भी आगे दिख है। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, बेइज्जती कर लेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक पार बसाओगे। दूसरी बार फिर कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो। तीसरी बार कहा कि दरवाजा खोलो आपका। तो परमात्मा ने पूछा कौन है भाई, कि आपका दास सिकंदर दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है, दर्शन करना चाहता हूं। तब परमात्मा ने कहा कि राजन आज दरवाजा नहीं खुला है, मैं तो बेइज्जती कर दी ने, ये मुझे जीने नहीं देंगे, मैं तो आज आज इस काशी में हूं और घर छोड़कर अपने लेकर परिवार को कि कहीं दूर बसूंगा जाके, ये मुझे जीने नहीं दे रहे महाराज, मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरी तो बेइज्जती कर दी ने। सिकंदर लोदी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, मैं आपको खूब जान चुका हूं, आप स्वयं अल्लाह की जात हो, आप स्वयं अल्लाहू अकबर हो, आप खुद इलाही हो, आप सर्वशक्तिमान हो, हे परवरदिगार एक बार दर्शन दर्शन दे दो मुझे। इतना अधीन जब हुआ तो कहा सिकंदर रविदास खोल दे खिड़की। दरवाजा खोला तो मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोदी ने परमात्मा की चरणों और कहा कि हे परवरदिगार आप तो आपको कोई अगर आपको पहचान ले फिर तो समस्या हल हो जा, आपको पहचानना ही कठिन है, आपने वह रंग लगा रखे भगवान, आपकी जय जयकार हो रही है, 18 लाख व्यक्ति जीवने लग रहे हैं और सभी ये देखना चाहते हैं कि कौन है वो महान आत्मा, कौन है वो सेठ कबीर, उसके दर्शन तो कर ले जिसने ऐसा भोजन करा रखा है, आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा, एक बार दर्शन दे दो उनको। कहते हैं परमात्मा खड़े हुए वहां पर, जो ही झोंपड़ी से बाहर आए आकाश से एक मुकुट आया, सुंदर मनोहर मुकुट, और ऊपर से फूल बरसने लग गया आकाश से परमात्मा के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर। सिकंदर लोधी ने हाथी पर बैठाया परमात्मा को और साथ में रविदास जी को। रविदास जी चमर कर रहे थे परमात्मा कबीर जी के ऊपर, ये सफेद सफेद ये पूछ सी होती, इसको चमर बोलते हैं। तो सिकंदर लोदी ने प्रार्थना करके दिया कि भगवान हे भक्त मुझे भी सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो। तो वो चमर लेकर के सिकंदर लोदी कबीर भगवान के ऊपर चमर कर रहा है और हाथी पर बैठे सभी आ रहे हैं, मेले में प्रवेश हो गए जहां भंडारा चल रहा था, लोग देख रहे हैं कौन है कबीर की, वो आ गया कबीर जिसके सिर पे मुकुट है और जिसपे ये सिकंदर लोधी सेवा कर रहा है। सब देख जय जयकार कर खड़े होकर देखे, क्यों मालिक के दर्शन से ही खुशी हो। अब सब जगह जय जयकार हो रही है, सारे मेले में घूम गए। फिर एक तंबू में से जहां दूसरे रूप में मालिक बैठे थे केशव रूप में, वहां से एक सेवादार गया और हाथी पर बैठे भगवान से प्रार्थना की कि हे परवरदिगार आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तो उससे हाथी से उतर कर सिकंदर लोदी और भगवान और रविदास जी तीनों उस टेंट में आ गए जहां पर वो केशव बैठे थे। देखते ही देखते टेंट में जब गेट में प्रवेश किया था, लंबा चौड़ा टेंट था, उसमें एक तख्त अपने आप आकर लग गया। उसके ऊपर जैसे आप इन फिल्मों में देखते हो ना, टीवी में अपने आप ऐसे बन जाते हैं सेकंड में, ऐसे ओरिजिनल तख्त उसके ऊपर, गद्दे बिछ गए उसके ऊपर, बहुत सुंदर
चद्दर आगे उसके चारों तरफ हीरे और पन्ने लजवा रात ऐसे जड़े गए चमक रहे। और सिख केशव ने खड़ा होकर कहा कि महाराज विराजो उस तख्त पर भगवान बैठ के बीच में, और टेंट को खोल दिया। टेंट को साइड से ऊंचा कर दिया, ऊपर ऊपर रह गया। और फिर चार पहर तक, आठ पहर तक, ओए 24 घंटे तक केशव प्रसन्न कर रहा है और कबीर जी उत्तर दे रहे हैं। यानी 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग सुनाया, जो भक्तात्मा, जो दूर दूर से साधु संत आए थे, भक्त आए थे, और मोहन भोजन खिलाया 3 दिन तक, और 24 घंटे लास्ट में सत्संग सुनाया। तो मालिक के सत्संग को सुनकर लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। तो परमात्मा ने एक तीर में कई शिकार करे। एक तो उनकी फड़क निकाल दी जो भगवान के पीछे पड़ रहे थे। उधर से वो तो जैसे पुण्यात्मा आप हो, आपके और भाई बहन हैं, कोई जगन्नाथ पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, कोई राधा स्वामी के पर जाते हैं, कोई दंडन सतगुरु का जाते हैं, कोई निरंकारी के, या कोई वैसे मंदिर माताओं की पूजा करे। ये सब भक्ति के लिए, भगवान के लिए तो भटक रहे हैं। और उस समय जो घर त्याग के आश्रमों में रह रहे थे, वो भी तो उसके प्यारी आत्मा थी भगवान की, वो भगवान के लिए तो भटक रहे थे। 3 दिन अपने बच्चों को वो भोजन खिलाया, और उनके 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष के वो सोना चांदी दो रुन जाते बेची होंगी, ताकि ये खा पी लेंगे भूखे मरण गंदे लोक में। इन पार्थ जब होना है, जब कलियुग का यू समय आना, तब तक भी उनको राहत देंगे, दोबारा पहला नाम देंगे, उनको चार्ज करके चलेंगे। तो भगवान आपके लिए कैसे भटक रहे हैं। तो अब जब वो 18 लाख व्यक्तियों को प्रसंग जो दास आपको आज क्लियर करना चाहता है, यदि तुम सभी उसके लिए तड़फोगे, भक्ति करोगे, जब 18 लाख आदमी काशी में, तो मेरे ख्याल में आधा भारत 18 लाख को नहीं खिला सकता था उस समय, एक दिन में एट ए टाइम। और जब सतलोक से उनके लिए भेज दिया, तो यह 7 अरब हैं, 8 अरब हैं हिंदुस्तान, पूरे संसार की आबादी, उनको खिलाते उसने के देर लगेगी, अगर आप भक्ति करोगे तो। ये वो भगवान है। तो परमात्मा ने कहा कि एक बार फिर सतयुग जैसा माहौल होगा यहां पर, जैसे सतयुग में सुख होता था, तो वो आएगा कहां से, आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा। अरे सारे ठाट करेगा, कोई चिंता कोई टेंशन उस भक्त को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा, कबीर साहब की या सत भक्ति। ये दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मर्यादा, आप यहां से जाते हो गांव में, घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं गरीब दास मैं क्या करूं, यो कहते हैं अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं कि धर्म, गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे, अनंत कोट बाजी तहा मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं के करूं यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहे तो इन्हें सारे सुख दो, मोक्ष दो, तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता कोई ना कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है, फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं, और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना इनको, मेरे से दूर होकर के फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है, फिर आप प्रकापति आनी आनी है, से नाम भी ले रखा है,
फिर अविश्वास हो जाता, वहां भी गया था मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले, तो फिर तो धक्के ही धक्के यहां से जाने के बाद। लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे कागजात का, फिर सूझ जाए और डठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है, और फिर आपको समाधान भी देता है भगवान, फिर आपका मोक्ष ऐसे हो। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे, और पूरी सृष्टि पूरा विश्व नाम लेगा मेरा, और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। अब दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके, ये भगवान के विचार है। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वो एक अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और वो ही ज्ञान वो 600 वर्ष पहले बता कर गए थे, और आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का त्यों विद्वान पाया। और जो जिनको हम विद्वान मानते थे वो सारे डल व्यक्ति थे, डफर थे, उनको कह कह का पता नहीं था, जो हमें इतने दिन लेट कर दिया। अब किसी की बातों में नहीं आना, प्रत्यक्ष देखो ज्ञान को, प्रमाण देख करके, और फिर और अपना कल्याण कराओ, अपने बच्चों का कल्याण कराओ। सत्साई।